मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुम्हारी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह जानकर हर्षित हुआ। उसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर होकर सर्वसुख प्राप्त होते हैं।